Hi guys, I'm Ritik Goyal. I got 12th rank in AIIMS and right now I'm studying in AIIMS New Delhi. I used to be relaxed and stress-free when I was going to attempt the paper. तो बिल्कुल रिलैक्स और फ्री माइंडेड जाना चाहिए बंदे को जब भी वो पेपर देने जाए. और एग्ज़ाम से पहले सोच के रख लो कि आप किस सीक्वेंस में सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करोगे. जैसे मेरा रहता था कि मैं सबसे पहले बायोलॉजी करता था, फिर केमिस्ट्री करता था, फिर फिजिक्स करता था. और ऐसा भी हो सकता है कि कभी आप एक सब्जेक्ट करते हुए सैचुरेट हो जाओ, तो उसको ओवरकम करने के लिए आप स्विच कर लो सब्जेक्ट को. जैसे आप बायोलॉजी कर रहे हो तो 90 क्वेश्चंस है, तो होता है कि 60 क्वेश्चंस के बाद आपका दिमाग का मतलब नहीं काम करता कि बायोलॉजी और नहीं करनी, सैचुरेट हो जाता है. तो उस केसेस में आप स्विच कर लो, पर ऐसा नहीं कि आप उसी सब्जेक्ट को करते जाओ कि भाई ये कंप्लीट करना है फिर ही दूसरा सब्जेक्ट करूँगा. और एक चीज़ दिमाग में रखनी होती है कि इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ने हैं. एडमिट कार्ड पर जो भी लिखे होते हैं या फिर ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पर जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनको अच्छे से फॉलो करना है, और जो भी चीज़ें वो मांगते हैं वो सब लेके जानी चाहिए. वरना एग्ज़ाम टाइम पर बहुत स्ट्रेस आ जाता है, क्योंकि कभी कभी फ़ोटो नहीं लेके जाते तो फिर वो मंगाते हैं और वो बहुत स्ट्रेस आ जाता है उस टाइम पर. टाइम को सेव करने के लिए एक स्ट्रैटेजी होती है कि ओएमआर आप कब फिल कर रहे हो. अगर आप हर क्वेश्चन करके ओएमआर फिल करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है आपका. तो एक सही रहता है कि एक सेक्शन पूरा कर लो पेपर का. जैसे आपने केमिस्ट्री पूरी कर ली और पूरी केमिस्ट्री की साथ में ओएमआर फिल कर ली, तो इसलिए बोलते हैं कि ओएमआर फिलिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आपको टाइम सेव करना है तो. अब बात रही कि जो कैलकुलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना उनको अपन छोड़ सकते हैं एक बार के लिए, और फिर लास्ट में जब अपना टाइम बचता है तो फिर अपन वापस कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पे आ सकते हैं. तो अब मतलब आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, अब आपको लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस होगी, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा, तो इसको लीव कर दो एक बार और लास्ट में आके अटेम्प्ट करो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को. इफ़ कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने तो एक अपनी स्ट्रैटेजी रहती है कि एलिमिनेशन लगाओ, कि मतलब आपने ऑप्शंस पढ़ लिए, मतलब आपने आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, पर आपने ऑप्शंस पढ़े और ऑप्शंस आपको लग रहा है कि हाँ ये मैंने देखे हुए हैं कहीं, तो आप तीन ऑप्शंस को उसमें से एलिमिनेट करना सीखो और एक ऑप्शन पर्टिकुलरली आपका बच जाएगा. चाहे वो आपने नहीं पढ़ा हो पर वो आंसर होता है तो उसको आप टिक कर सकते हो. और ऐसा भी होता है कभी कभी आप दो ऑप्शन में कन्फ्यूज रहते हो, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका माइंड अच्छे से वर्क नहीं करता, तो उन दो पर्टिकुलर ऑप्शंस को आप मार्क कर लो. और फिर बाद में जब टाइम आपका बचे ना, अब रिव्यू जब आप पेपर को कर रहे हो तो तब उस क्वेश्चन को वापस से देखो और दो ऑप्शंस को देखो, तब हो सकता है कि आपको क्लिक कर जाए. और कभी कभी अगर बिल्कुल ही ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो कि आप बिल्कुल ही अबव द हेड जा रहा हो, कि बिल्कुल ही हवा ही नहीं लग रही, तो उन वाले क्वेश्चन को छोड़ दिया करो, क्योंकि ऐसा होता है कि टॉपर भी छोड़ता है ये क्वेश्चन, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी है. कभी कभी ऐसा होता है कि तीन लगातार क्वेश्चंस हो गए कि आपको आ ही नहीं रहे, तो उस केस में अगर आप स्ट्रेस में आ जाओगे तो आपके जो बाकी 177 क्वेश्चन बाकी है ना वो सारे भी बिगड़ेंगे. तो इसलिए अच्छा है कि आप स्माइल करो वापस से और वापस से बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं ना उनको अटेम्प्ट करो, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप में स्ट्रेस लेने लग जाओगे तो आपका माइंड फिर स्ट्रेस की तरफ ही जाएगा और पूरा पेपर बिगड़ेगा. तो इससे अच्छा है कि आप चार क्वेश्चंस अगर छोड़ रहे हो कोई बात नहीं, क्योंकि टॉपर्स भी होते हैं, क्योंकि चार से पांच क्वेश्चन छोड़ते ही है, ऐसा नहीं कि उनके भी 720 में से 720 आ रहे हैं. तो आपको रिलैक्स रहना चाहिए ऐसे सिचुएशंस में और बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आना चाहिए. ये एम फॉर एम्स ने मेरे को एक बुक सेंड करी थी रिव्यू के लिए, तो मैं इसका रिव्यू देना चाहूँगा. इसमें ऑथेंटिक क्वेश्चंस है और आंसर्स भी इसके बिल्कुल सही है इस बुक के. प्लस इसमें एक और अच्छी बात है कि इसमें रिवीजन नोट्स है जो कि चैप्टर वाइज है, तो लास्ट मिनट में अगर रिविजन्स करना हो तो ये बुक बहुत अच्छी है. और फ्लो चार्ट्स भी दे रखे हैं केमिस्ट्री के रिएक्शंस के, तो वो भी बहुत बेनिफिट होते हैं लास्ट मिनट रिविजन के लिए. प्लस इसमें जो एनसीईआरटी जो आंसर्स है उसमें एनसीईआरटी रेफरेंसेस दे रखे हैं,
तो स्टूडेंट को ये पता लग जाएगा कि कहाँ पे उसने गलती करी है, कहाँ पे उसने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी, तो वापस जाके उस टॉपिक को पढ़ सकता है अच्छे से। फिर इसमें प्रैक्टिस पेपर्स भी, पर वो सिर्फ 5 ही प्रैक्टिस पेपर्स है इसमें, तो मेरे को लगता है कि थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए कुछ और बुक्स भी आपको रेफर करनी पड़ेगी। और इसमें प्रिंटिंग एरर्स है थोड़ी बहुत, उसके लिए मैंने बोला था इंफोरेम्स को, बट दे सेड दैट दे हैव पुट द करेक्शंस ऑन द नेट ऑन देयर वेबसाइट। सो इट्स अ गुड बुक फॉर नीट प्रिपरेशन।